आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने चार पांच दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है।